आज की वीडियो में आपको सोनम कपूर के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सोनम कपूर को लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशंस इस समय फैली हुई हैं और डिफरेंट जगह पर डिफरेंट बातें सुनने को मिल रही हैं। जहां पर एक बात ये सुनने को मिल रही है कि सोनम कपूर बेबी बॉय को डिलीवर कर चुकी हैं और वो अपने बेबी बॉय के साथ इस समय हॉस्पिटल में बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल फाइन है। दूसरी तरफ अब सोनम कपूर के बारे में और भी बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि सोनम कपूर अपने बेबी की डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम अपने घर पर ही गुजारेंगी। वो अपने मुंबई के घर में अपने 6 महीने गुजारेंगी अपने बेबी के साथ। वो बेबी को लेकर फॉरेन से अब्रॉड नहीं जाना चाहती और वो चाहती हैं कि वो कुछ समय यहीं पर गुजारें, बेबी के साथ यहीं पर सेटल इन हो जाए, फिर वो जाकर बेबी की रूटीन सेट करें और बेबी की रूटीन सेट होने के बाद वो बाहर मूव करें। सोनम कपूर ने अपने सारे वर्क कमिटमेंट से ब्रेक ले रखी है और अब वो बिल्कुल ब्रेक पर हैं। वो 6 महीने कोई काम नहीं करेंगी, वो 6 महीने सारा का सारा टाइम अपने बेबी को देने वाली हैं और इसके लिए कपूर फैमिली ने भी पूरा प्रिपरेशंस कर ली हैं। कपूर फैमिली ने भी बेबी की नर्सरी रेडी कर ली है और उनके घर पर बेबी के लिए भी सब चीज़ें आ चुकी हैं। कपूर फैमिली के घर में काफ़ी समय बाद ऐसी खुशी आ रही है तो वो इस खुशी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और साथ में सोनम कपूर के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो 6 महीने के बाद ये डिसाइड करेंगी कि उन्होंने लंदन मूव करना है या वो यहीं पर मुंबई में ही रहेंगी। अभी तक उन्होंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि वो 6 महीने बाद लंदन वापस चली जाएंगी या वो मुंबई में ही रह लेंगी, लेकिन अगर वो लंदन में वापस जाती हैं तो वो अपने वर्क कमिटमेंट्स के लिए आती जाती ही रहेंगी। बट स्टिल फिलहाल वो 6 महीने ब्रेक पर हैं और वो ये 6 महीने अपनी और अपनी बेबी की बॉन्डिंग स्ट्रांग करना चाहती हैं और इसके लिए वो इंडिया में ही रहने वाली हैं, जिसके लिए सारी प्रिपरेशंस की जा चुकी हैं। आप सोनम कपूर के बारे में ये सब जानकर कैसा फील कर रहे हैं हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।